छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला कोयलांचल नगरी कहलाता है। यहाँ काला कारोबार भी तेजी से फल फूल रहा है। खदान के अलावा भी अवैध खदान संचालित हो रही है। वन क्षेत्र में ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर सुरंगनुमा गुफा बनाकर अवैध कोयला निकाल रहे हैं, जिसमें प्रतिवर्ष खदान में दबकर किसी न किसी की मौत होती जा रही है। 3 दिन पहले भी एक 20 वर्षीय युवक अवैध कोयले की खदान की चपेट में आने से मौत हो गई। कोरिया वन मंडल के वनों में विगत 3 वर्ष में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि घटना के समय वन विभाग हमेशा कागजों पर खदान बंद करने की बात कहता रहता है। 6:30 बजे शाम को एक हॉस्पिटल में व्यक्ति को इलाज दिलाया गया था। इलाज दौरान बताया गया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। बाद में उनके परिजनों द्वारा पता चला कि वो व्यक्ति एक जाम घाट डांग डबरा करके एक जगह है, जहाँ से अवैध रूप से कोयले का उत्खनन ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। वहाँ वह व्यक्ति गया था और वहीं जो है इसकी कोयले से खान से दबने से चट्टान से दबने से इसकी कैजुअलिटी इसको हुई थी और इसको हॉस्पिटल लाते समय इसकी मृत्यु हुई, ऐसा इनके परिजनों द्वारा बताया गया है। जांच की जा रही है कि वो कोयला चोरी करने के उद्देश्य से गया था कि और अन्य किस कारण से गया था, यह अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। हमारे फॉरेस्ट एरिया में बहुत कम खदान है इस तरह के, लेकिन जैसे ही हम लोग को सूचना मिलती है कि कोई खदान अवैध तरीके से संचालित है, उस खदान को हम लोग SSCL को लीक करके उस खदान को बंद कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो ग्रामीण हैं आसपास जो इस काम में इन्वॉल्व रहते हैं, उन लोगों को भी समझाइश दी जाती है कि वो अपने परिवार के सदस्यों को इन कामों में अवैध तरीके से कोयला निकालने में की ओर ना धकेले, पैसे का लालच लेकर के इस जगह पे ना भेजे, क्योंकि ये खतरनाक जगह होता है, कोई सुरक्षा उपाय नहीं किया जाता है और कोयला खनन के अंदर बहुत लंबी चौड़ी जो गुफा रहती है उसके अंदर ये घुस जाते हैं और कभी भी इस तरह की दुर्घटना का सामना किया जा सकता है जिसमें परिवार के सदस्य को खोना पड़ता है। ऐसी स्थिति में ना तो उनका मुआवजा का कोई बन पाता है, तो दिक्कत यह है कि लोग बाग अगर इसमें जागरूक हो, ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है इसमें, जागरूक होंगे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी।